लोकसभा की 16 सीटों के लिए जंग तेज हो गई है। जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में राज्यसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में एक एक सीट, वहीं कर्नाटक में दो सीटों पर कांटे का मुकाबला है। महाराष्ट्र में AIMIM ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है, इससे उद्धव ठाकरे को काफी राहत मिली है। देर रात दरअसल शिवसेना और AIMIM के नेताओं के बीच एक हाई लेवल बैठक होती है और उसके बाद ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में हम आपको बता दें छठी सीट के लिए जंग है, जहां पर मुकाबला शिवसेना के संजय और बीजेपी के संजय के बीच में। शिवसेना की तरफ से संजय पवार चुनाव में है तो बीजेपी की तरफ से संजय महादिक चुनाव लड़ रहे हैं। उधर राजस्थान की बात करेंगे तो आप एक सीट पर वहां कांटे की टक्कर है। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने अशोक गहलोत की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उनके तीनों उम्मीदवार जीत रहे हैं, हालांकि कांग्रेस यहां पर सतर्क है। तमाम नेताओं को उन्होंने होटल रिजॉर्ट में रखा था, आज सभी को बस से लेकर वो वापस पहुंचे हैं। उनका यह दावा है कि 126 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि निर्दलीय विधायक यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं। उधर अगर बात हरियाणा करें तो यहां कांग्रेस के अजय माकन की सीट फंसी हुई है। उनकी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से है, जिन्हें चौटाला के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन हासिल है। कांग्रेस में भी टूट फूट की उम्मीद नजर आ रही है। ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई अब तक इन चार राज्यों को लेकर, जहां 16 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले जयपुर के लीला पैलेस होटल में अपने विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंचे। गहलोत ने अपना वोट डाल दिया और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। अशोक गहलोत जिस वक्त यहां पर वोट डालते हुए नजर आए, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि अशोक गहलोत आज पोलिंग एजेंट भी बने हुए हैं। तमाम विधायकों को लेकर वो यहां पहुंचे हैं और आज पोलिंग एजेंट की भूमिका जो है वो भी अशोक गहलोत यहां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सीट हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया, अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए वरना चारों सीटें तीन हमारी एक बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता, पहले भी उन्होंने ऐसे किया था पिछले चुनाव में, मार ही खानी पड़ी इन लोगों को, अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग। ओके, तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भगदड़ जो है वो बीजेपी में मची हुई है। हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अशोक गहलोत कह रहे हैं भगदड़ वहां मची है लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहत जो है वो कांग्रेस के खेमे में भी नहीं है। सीएम खुद पोलिंग एजेंट बनते हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, कैसे देख रहे हैं? बड़ा दिलचस्प हो गया चुनाव सुभाष चंद्रा के यहां आने के बाद। बिल्कुल, सुभाष चंद्रा ने जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में खलबली मचाई है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिल्कुल दबाव में है कांग्रेस। यहां देख सकते हैं ये सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यहां पर खड़े हैं जो एक एक करके गिनती करके सारे विधायकों को अंदर भेज रहे हैं कौन वोट डाल रहा है कौन नहीं। बीजेपी के विधायक भी हैं। देखिए, 8 वोटों की दरकार है सुभाष चंद्रा को, ये 8 वोट कहां से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनका जिस तरह से दावा रहा उसके बाद कांग्रेस काफी चौकन्नी है, कांग्रेस को लग रहा है किसी भी तरह से यहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपना कमान संभाले हुए हैं। देखिए, वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कभी मैं रगड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए कैसे चौथा उम्मीदवार उतार कर माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकार में कांग्रेस के पास मात्र 21 सीटें थी और उसके बाद कमल मुरारका को उतारा गया था और इसी तरह से कांग्रेस ने भी मामला दिलचस्प बना दिया था, अब बीजेपी ने बनाया। हमारे साथ है कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बहुत दिन भागे हैं सर, आज राहत मिल रही है क्या? देखिए, विक्ट्री तय है और जब जीत होती है तो हर चेहरे पर हंसी होती है और ये तय हो गया। बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी की लीडरशिप फेल है, बीजेपी अपोजिशन में फेल रही, बीजेपी पूरे देश में माहौल बनाना चाहती है ताकत के दम पर वोट लेने का। डर की चर्चा बहुत दिन तक रहेगी पूरे देश में। नहीं, डर कहाँ था, डर तो बीजेपी में है। डर इस बात का है कि बीजेपी चाहती है कि उनकी जो फेलियर नेस है महंगाई और बेरोजगारी पर, उस पर कोई डिस्कस नहीं हो। सरकार 9 दिन तक होटल में रही, सरकार 9 दिन तक होटल में रही तो सरकार होटल के बाहर आना जाना सब रहा। बीजेपी ने क्या कर लिया, बीजेपी तो एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आई थी जिसके देश में चर्चे थे,
और ये साबित करना चाहती थी कि हम जो कैंडिडेट लेकर आए हैं, हमारा मैनेजमेंट, हमारी स्टाइल, हम कांग्रेस को हरा देंगे। क्या हुआ? आज के बाद बीजेपी को सबक मिलेगा कि सिर्फ षड्यंत्र, झूठ, फरेब और धोखा बीजेपी का नहीं चलेगा। ये पिछले दो सालों में आठवीं बाड़ेबंदी है, आगे भी बाड़ेबंदी होगी या आप आज आखिरी है? ये मानकर चलिए जिस सरकार की जनता में पॉपुलरिटी इस बात को लेकर हो, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम में हम नंबर वन है, डेवलपमेंट में हम नंबर वन। ठीक है, बाड़ेबंदी की बात हो रही है। नहीं, बाड़ेबंदी जब कोई सरकार चुनौती दे और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि वो बेवजह इंटरफेयर करके और तोड़फोड़ नहीं करेगी, जब आपकी पुलिस भी तो उठा उठा लाई है विधायकों को, तस्वीरें आई है। नहीं, पुलिस उठा के नहीं लाई, साथ में आई। जब एमएलए खुद उसके साथ जा रही है, एमएलए खुद आ रहा है, किसी एमएलए को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, आप इस बात को जानते हैं। जबरन को ना बीजेपी ले जा सकती है ना कांग्रेस, सब अंतरात्मा की आवाज। जीत हो जाएगी 100%। तो एक तरह से देखिए, इनको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, बाकी के 8 वोट सुभाष चंद्रा नहीं जुटा पाएंगे। इसी बात को लेकर यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले अपना वोट डालते हैं, उसके बाद जो 6 विधायक विद्रोह किए थे 2 दिन पहले तक, उनका वोट डलवाते हैं, बसपा से आए हुए चाहे गिरिराज मलिंगा, जो विद्रोही थे सबका वोट अपना वोट डालने के बाद डलवा लेते हैं। तो देखिए किस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, और 108 जो विधायक हैं उनके एक एक का वोट वो चेक कर रहे हैं पोलिंग एजेंट बनकर।